दोस्तों आखिरी गेंद पर आखिरी बल्लेबाज ने लखनऊ को जिताया, 212 रन बनाकर भी आरसीबी हारा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक और आईपीएल मैच रनों की बरसात लेकर आया और पिछले कई सीजन की तरह एक बार फिर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के गेंदबाजों ने अपने बल्लेबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया। निकोलस पूरन ने इस सीजन का सबसे तेज अर्धशतक ठोकते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को एक विकेट से जिताया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 212 रन के पहाड़ जैसे स्कोर को पूरन और मार्कस स्टोइनिस की विस्फोटक पारी कांड बैंगलोर को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि लखनऊ की टीम को इस मैच को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लखनऊ को आखिरी ओवर में जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और लखनऊ के पास 3 विकेट बाकी था। हर्षल पटेल ने इस ओवर में 2 विकेट चटका दिए। अब बात आखिरी जोड़ी पर आ गई। अब एक गेंद पर सिर्फ 1 रन चाहिए था। हर्षल पटेल ने नॉन स्ट्राइक पर रन आउट करने की कोशिश भी की लेकिन नाकामयाब रहे। फिर दोबारा गेंद डाली तो आवेश खान उसे खेल नहीं सके, लेकिन विकेट कीपर दिनेश कार्तिक गेंद को सही से नहीं लपक सके और आवेश खान और रवि बिश्नोई दौड़कर 1 रन पूरा कर लिए। कार्तिक ने रन आउट करने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। लखनऊ ये मैच अपने नाम कर चुका था। तो दोस्तों इस तरीके से आरसीबी की टीम को हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी की इस हार पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।